कुलभूषण मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मुंह की खाने वाले पाकिस्तान ने फैसला मानने से इनकार कर दिया है। अगर पाकिस्तान इस फैसले को नहीं मानता तो भारत इस मामले को यूएनएससी में भी उठा सकता है। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेनकाब हो चुका है। कुलभूषण जाधव की फांसी पर आईसीजे ने अंतरिम रोक लगाकर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। भारत ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आईसीजे के फैसले को नहीं मानता है तो वो इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाएगा। केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि जाधव को बचाने में आईसीजे का फैसला बुनियादी तौर पर एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने आईसीजे का फैसला आने के बाद मीडिया से कहा कि ये अस्थायी राहत जाधव के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में बुनियादी तौर पर एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सबसे बड़ी अदालत का सर्वसम्मति से किया गया फैसला है। इस जजमेंट में भ्रम की कोई स्थिति नहीं है। ये साफ है कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता तब तक जाधव सुरक्षित रहेंगे। जाधव के अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन पर अंतिम समाधान हासिल करने में मदद मिलेगी। दरअसल पाकिस्तान ने आईसीजे के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ए अली के कार्यालय ने कहा कि इस अंतरिम आदेश का आईसीजे के अंतिम फैसले से कोई लेना देना नहीं है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।